अब खुश रहने की इसमें क्या बात है, सब दिन तो आदमी अब ऐसे थोड़े गम में रहेंगे। आपके शादी में आपके घर वाले में से कोई आए थे, आपके भाई? क्यों आएंगे, जब हम घर छोड़ के आ गए तो मेरे घर वाले क्यों आएंगे? आरती ने कहा था कि मर जाएंगे शादी नहीं करेंगे, शादी कर लेंगे, क्या कहना चाहते हैं? देखिए भाई साहब, आप लोग को हम पहले ही बोल चुके हैं, लड़की हैं हम तो लाड़ रहे, देखने शादी हो गया तो क्या हो गया, ऐसी जिंदगी, लड़की है तो ऐसी जिंदगी थोड़े न कट सकता है। आरती अब शादी के बंधन में बंध गई है, क्या कहेंगी इस मौके से? देखिए बंधन में इसमें तो एक न एक रोज तो करना ही पड़ता, कहे कि लड़की है तो इसमें ऐसी जिंदगी तो नहीं कटता। पहले आप बोले थे शादी ब्याह जो है छोटू से ही आपका समान। देखिए वो सब समय के मुताबिक देखा जाता है। अच्छा, ये शादी में कोई जोर जबरदस्ती भी था आपके साथ? कोई जोर जबरदस्ती नहीं था। ये शादी आपने कहाँ किया? मंदिर में किया। मंदिर में किया था आपने? अभी आपके पति के क्या नाम है? आप लोग जानते ही हैं, मनु यादव। मनु जो कि छोटू के भाई है ना? हाँ। कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतनी जल्दी शादी क्यों, इतनी जल्दी? गाँव समाज में है, देहात है तो समझ सकते हैं कि गाँव समाज का लोग भी इस पे बोल रहे थे कि ऐसे प्रेशर में आके आपने शादी किया? प्रेशर में नहीं आके किया। शादी से कितना खुश है आरती? अब खुश रहने की इसमें क्या बात है, सब दिन तो आदमी अब ऐसे थोड़े गम में रहेंगे। अब आरती मन्नु की हो चुकी है, क्या कहेंगे इसमें, क्या कहेंगे? अच्छा, आपके शादी में आपके घर वाले में से कोई आए थे, आपके भाई? क्यों आएंगे, जब हम घर छोड़ के आ गए तो मेरे घर वाले क्यों आएंगे? ये जैसे आपके एक छोटे भाई हैं, क्यों आएंगे कोई मेरे घर वाले? आपने किसी को नहीं बुलाया? कल्याणदाम कौन किया? उतना सवाल हमसे प्लीज मत कीजिए, हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है। ना कोई तो होगा कि नहीं, जैसे कि अगर बस इतना ही हम लोग को पूछना था कि बहुत सारे लोग आपको देख रहे थे, आपका वीडियो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे, बहुत सारे ऐसे लोग थे कह रहे थे वो वीडियो मतलब क्लियर नहीं है कि वो आरती है कि छोटू है, आरती के साथ कौन है, मनु है, कौन है, तो ये सब सारे चीजें खड़ा हो रहा था, तो इसी चीज को क्लियर करने के लिए हम आपके पास आए कि क्या आपने सही में शादी कर लिया है मनु से, जो कि छोटू के बड़े भाई हैं, बस इसी चीज को क्लियर कर दीजिए। आपकी शादी कब हुई है? 25 कितना तारीख को हुआ था? 25 तारीख को आपने शादी करा था? शादी मनु से ही? हाँ, मनु से हुई, जो छोटू के। आरती जी एक सवाल है, शादी से कितना खुश है आप बोल दीजिए, क्योंकि दर्शक जानना चाहता है, पूरा देश सुनना चाहता है आपको, इसलिए मैं भी आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आरती इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं, शादी से कितना खुश है आरती? शादी से तो खुश रहेंगे है ना। तो बात आती है छोटू के इंसाफ की, उसके लिए कितना लड़ाई लड़ेंगे? जब तक है तब तक लड़ेंगे। क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? लड़ाई तो लड़ रहे हैं, देखने शादी हो गया तो क्या हो गया, ऐसी जिंदगी, लड़की है तो ऐसी जिंदगी थोड़े न कट सकता है। संघर्ष ही जारी रहेगा इंसाफ के। संघर्ष जारी है। क्या कहना चाहती है अंतिम शब्द अपने दर्शकों को, जो आपके चाहने वाले हैं शुरू से अंत तक देखे हैं, किस प्रकार, क्योंकि कई सारे सवाल उठ रहे हैं, तो सभी सवालों का एक ही जवाब आप दे दीजिए, क्या कहना चाहेंगे? सब जितने लोग देख रहे हैं शुरू से अंत तक, आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। आरती ने कहा था कि मर जाएंगे शादी नहीं करेंगे, शादी कर लेंगे, क्या कहना चाहते हैं? देखिए भाई साहब, आप लोग को हम पहले ही बोल चुके हैं, लड़की हैं हम। कितना दिन घर में रहती है ये कुमार? गांव समाज बोल रहा है। हम तो पहले बोल चुके ऐसा हैं। ऐसा कहा जाए कि समाज के सामने हार गई आरती? समाज के सामने हम कैसे हार गए हैं? संदेश क्या होगा देशवासियों को, क्या कहेंगी आरती? चलो क्या कहेंगे, क्या देशवासियों को हम बोल सकते हैं? मतलब आपको देख बहुत सारी लड़कियां देख रही हैं, तो आप मैं कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसे आप लोग क्वेश्चन करते हैं कि शादी बोल रहे थे कि नहीं करेंगे, कर ले, तो हम लड़की हैं ऐसे अकेले जिंदगी नहीं काट सकते हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि अचानक ही शादी क्यों इतनी जल्दीबाजी में? अचानक नहीं हुआ, अचानक आप सब बोल रहे थे, गाँव समाज का लोग बोल रहे थे, बात बाकी उतना जो हम नहीं बोल पाएंगे, पापा है, गार्जियन है, पूछ लीजिए। आप कितने खुश हैं शादी में? चेहरे पे मुस्कुराहट भी है। वो तो वैसे आते हैं यार। देखिए ये मनु है जो कि आरती के हस्बैंड है, मुस्कुरा रहे हैं और ये छोटे